ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। 2 मार्च सन 2012 और शुक्रवार का दिन है, और जिनका आज जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शनि महाराज आपकी रक्षा करें, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 2 मार्च को आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, और जीवन में कहीं कोई परेशानी है तो बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप, सुगंधित श्वेत पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा, ये उपाय कभी खाली नहीं गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं शुक्रवार के पंचांग की। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की नवमी और विक्रम संवत 2068 शुक्रवार के प्रातकालीन नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि, और शुक्रवार का राहुकाल प्रातः 10:30 लेकर 12 बजे तक। और हर रोज की तरह मेरी सलाह है कि राहुकाल के द्वारा कोई नवीन कार्य शुरू नहीं करें, व्यापार शुरू नहीं करें, पूंजी निवेश नहीं करें, जमीन जायदाद के सौदे नहीं करें, तो बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। नमनान। और बात करते हैं शुक्रवार की यात्रा की। जहां आप रहते हैं वहां से दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रही, और शुक्रवार के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दही खाकर यदि यात्रा पे निकले तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमनान। अब मैं आपको ले चलता हूं नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में। क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र आपके लिए, बात करते हैं शुक्रवार की राशिफल की। नमो नारायण। और सबसे पहले मेष राशि। समय आपके अनुकूल है, भाग्य उदय होगा, आज दिन लोगों पर किया गया भरोसा अनुकूल फल प्रदान करेगा और शास्त्र और उत्साह बढ़ेगा और परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। हैं आप नौकरी में तो लाभ मिलेगा, और व्यवसाय में है तो धन कोष में वृद्धि अवश्य होगी, उन्नति के अवसर मिलेंगे और छोटे भाई बहनों की सफलता से मन बहुत प्रसन्न होगा। क्या करें, आर्थिक क्षेत्र में जागरूक रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, आज कोई स्थान परिवर्तन ना करें तो ठीक रहेगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि। चलो, कार्य और व्यवसाय में उलझनों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि घरे योगायोग है, आज आराम कम और भागदौड़ ज्यादा रहेगी। लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन सूझबूझ और काम करने के तरीके से और बोलने के तरीके से कार्य बड़ी सरसता और बड़ी शांति से संपन्न हो जाएगी। बस सूझबूझ, जो सूझबूझ, जिस सूझबूझ से आप काम करें इसको छोड़ना मत। जिस विनम्रता के साथ आप लोगों से बात करें आज दिन, इसको पकड़े रखना, सारी समस्याओं का निवारण, सफलता मिल जाएगी। क्या करें, कार्य आदि को गोपनीय बनाए रखें। क्या ना करें, नवीन कार्य को आज प्रारंभ ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, एकदम सुंदर वातावरण नजर आ रहा है, भटकाव दूर होगा, सहज भाव से सोचने का अवसर मिलेगा, संपूर्ण सहयोगियों का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे और पुराने वाद विवाद से छुटकारा मिलेगा और घर और परिवार का सुख बढ़ेगा। आज घूमने फिरने और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा, समय बहुत अनुकूल है, लाभ उठाएं। क्या करें, कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, उधार लेन देन न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, सितारों की चाल संकेत दे रही कि आज थोड़ी सी परेशानी है, आज व्यवसाय में उठापटक हो सकती, साझेदारी कार्य में हानि हो सकती, शत्रु परेशान कर सकता है, धन की कमी और परिवार में कले और स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। कर्क राशि वाले कहेंगे, दत्त महाराज क्यों डरा रहे हो, आपका मित्र हूं, सचेत कर रहा हूं कि शत्रु से सावधान दे, साझेदारी कार्य में विशेष सतर्कता बरते, पारिवारिक कले नहीं हो इस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करें, छोटा सा उपाय जो बहुत जरूरी, ओम श्राम श्रीम श्रम स चंद्रमा से नमः। चंद्रमा के बीज मंत्र की 5 माला सुबह जाप करें 4 से 6 बजे के बीच में, और चावल का दान देना बहुत शुभ बहुत अनुकूल रहेगा, बिने पके कच्चे चावल का दान देना बहुत लाभ रहेगा। विशेष क्या करें, पारिवारिक सहयोग से कार्य करें। क्या ना करें, अत्यधिक ईर्ष्या और कुंठा ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जलन आज आपको नुकसान, जलन से दूर रहे, ईर्ष्या से दूर रहे, बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, समय उत्तम,
पारिवारिक संबंध अनुकूल होंगे और पारिवारिक संबंधों में सुदृढ़ता और सुखद वातावरण प्राप्त होगा। धन लाभ की वृद्धि और श्री वृद्धि का योग भी नजर आ रहा है। माता पिता का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। कारोबारी और व्यावसायिक जितनी भी योजनाएं होगी वो सब पूरी होगी और इन योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा और धार्मिक कार्य संपन्न करने का अवसर मिलेगा और दिन बहुत सुकून और शांति से बीतेगा। क्या करें? सफलता के लिए थोड़ा सा प्रयास करिए, ठीक रहेगा। क्या ना करें? सरकारी अधिकारियों से संबंध ना बिगाड़े तो ठीक रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, गोचर की सुंदर दृष्टि नजर आ रही है। ग्रह गोचर संकेत दे रहे कि व्यावसायिक समस्या धीरे 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 स्वतः ही दूर हो जाएगी। जो सोचा वो पूरे होंगे। धनार्जन के अवसर मिलेंगे। नए लोगों से मित्रता करने का लाभ मिलेगा और कारोबार में अनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी और दिन बहुत अच्छा बीतेगा। क्या करें? थोड़ा सा प्रयास और करें, सकारात्मक सोच के साथ बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? पारिवारिक समस्या को अनदेखा ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। और लेकिन उससे पहले एक सवाल, और यह भी सवाल बहुत सुंदर है। कुछ लोगों ने कहा, दाती माता, घर में सुख शांति रहने का कोई सुंदर नुस्खा बता दीजिए वास्तु का। यदि घर का मध्य हिस्सा चौक खुला हो तो शुभता का परिचायक है, और चौक जो है वो साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है। इससे घर में धन धान्य और शुभता की वृद्धि होगी। अद्भुत वास्तु टिप्स है। घर का प्रवेश द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में करें और प्रवेश द्वार के समक्ष रसोई ना बनाए, मन वांछित फलों की प्राप्ति होगी, मेरा वादा है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, यदि किसी घर में सुख शांति नहीं है तो देख लीजिए कि प्रवेश द्वार, मकान का प्रवेश द्वार के ठीक मध्य में तो नहीं है, क्योंकि मकान का प्रवेश द्वार ठीक बीच में हो और उसके सामने तीन दरवाजे और खुल रहे हो तो नुकसान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मकान का प्रवेश द्वार ठीक बीच में नहीं होना चाहिए और भवन में तीन दरवाजे एक साथ नहीं खुलना चाहिए, बहुत लाभ। ये वास्तु की दो टिप्स है, जिसको अपना के देखिएगा आपको लाभ मिलेगा। अद्भुत टिप्स बता रहा हूँ, बहुत सुंदर, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा वास्तु का भी, कई दिनों से वास्तु पे और मुद्रा पे भी आना है मेरे को, धीरे धीरे सबको लेके आ जाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाली, जिस तरह की घर योगायोग है, सितारों का संपूर्ण संकेत ये नजर आ रहा है कि पिछली संपूर्ण विघ्न परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा और कारोबार की स्थिति अनुकूल और आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। मित्रों और पारिवारिक जनों का सहयोग प्राप्त होगा। सफलता प्राप्ति के अवसर मिलेंगे और यात्रा सुखद रहेगी। जिस तरह की घर योगायोग है, संपूर्ण मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी और धन कोष में वृद्धि भी होगी। क्या करें? व्यवसाय में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? अत्यधिक आवेश में आकर कोई कार्य ना करें तो अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, जिस तरह के ग्रह योगायोग है, गोचर ये कह रहा है संयम से काम करना बहुत जरूरी है और क्रोध पर काबू रखना होगा। तुनक मिजाजी नुकसान दे सकती है। पल में मासा और पल में तोला, कभी ठंडा और कभी गर्म, इस तरह के व्यवहार से नुकसान हो सकता है। शत्रु परेशान कर सकता है। नवीन कार्य के लिए सतर्कता बहुत आवश्यक है और परिवार की स्थायी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा। गोचर यह भी कह रहा है कि वाद विवाद की प्रबल संभावना है, थोड़ा सा सावधानी से काम करें। ओम हम पम नंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना दिन भर कल्याणकारी, और गुड़ का दान दीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। विशेष क्या करें? कार्य में प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? बिना वजह दूसरों का नुकसान, वजह भी हो तो भी दूसरों का नुकसान न करे तो ठीक रहेगा। नमन। आ रहे